हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड वेलवेट कपकेक। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना। आप कितना भी इसको दबा लीजिए, वापस देखिए अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा कपकेक बनके तैयार हुआ है। और इसको हमने बनाने के लिए, सबसे खास बात यह है कि हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं किया। ये रेसिपी खास उन लोगों के लिए जो लोग अंडा नहीं खाते। इसकी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, मगर स्वाद बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, रेड वेलवेट कपकेक। इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं एक बड़ा बाउल और उसमें डालते हैं पाउडर शुगर। आप घर में चीनी पीसकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में ले लिया मैंने ऑयल, आप इसके यहाँ बटर भी ले सकते हैं। अब इनको करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको हम तब तक फेंटेंगे जब तक कि थोड़ा फ्लफी ना हो जाए, मतलब कि इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट हो जाता है। हमें केक या कपकेक किसी को भी सॉफ्ट या स्पंजी बनाने का मेन प्रोसेस होता है उसमें कितनी हमने हवा भरी है, यानी कि हमने कितना फेंटा है। जितनी हवा भरेंगे उतना ही हमारा केक जो है बहुत ही सॉफ्ट बनकर आता है, यानी स्पंजी बनता है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अपना फ्लोर यानी कि मैदा, और मैदा के साथ ही हम ले लेंगे अपना बटर मिल्क। यानी कि आप बटर मिल्क अगर आपके पास नहीं है तो आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सा हमारा मिक्स होना चाहिए ताकि हमारा बैटर अच्छे बन जाए। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी गांठ नहीं पड़नी चाहिए, यानी बिल्कुल लम्स नहीं रहे, और हमारे बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल बैटर हमारा ऊपर से गिराए तो एकदम से अच्छे से गिरता हुआ दिखाई देना चाहिए। देखिए ये देखिए मेरा बैटर कितना बढ़िया बन गया। अब इस स्टेज पर इसमें डालेंगे रेड फूड कलर। आप इसमें ड्राई, लिक्विड, जेल, जो भी आपके पास फूड कलर अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिए, उसको तुरंत मिक्स कर लीजिए। अब मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस के बाद डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। उसको हमें डाल के अच्छे से मिक्स तो करना है, मगर हमें ज़्यादा फेंटना नहीं होता, क्योंकि एकदम से इसको डालने के बाद ही हम इसको अपने मोल्ड में डाल देंगे। तो मैंने कप केक के मोल्ड ले लिए हैं, इनमें अपना बैटर डाल देंगे। ध्यान रहे बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है, हमने हाफ हाफ भरना है। और इसको इसमें भरने के बाद मैं इसको माइक्रोवेव में बेक करने वाली हूँ। मैं इसको 180 सेंटीग्रेड पे 25 मिनट के लिए बेक करूँगी, एकदम से परफेक्ट बन जाते हैं। आप इन्हें कढ़ाई या कुकर में भी बेक कर सकते हैं, उसमें 35 से 40 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए सब भर गए हैं। अब इसको हल्का सा टैप कर देंगे इस तरीके से और इसको रख देते हैं माइक्रोवेव में 25 मिनट बाद। ये देखिए मेरे कितने बढ़िया बेक हो गए हैं। मैं आपको निकाल कर भी इसमें से दिखा देती हूँ। हमारा देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, कितना सॉफ्ट हमारा बन के आया। ये देखिए हमारा है ना, इनकी कितनी आसान सी रेसिपी और कितने सॉफ्ट बनकर आए हैं। और इनको निकालना ही बहुत आसान है, अपने सारे के सारे हम इस तरीके से निकाल के रख लेते हैं। ये देखिए अब इनकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने पाइपिंग बैग में अपनी व्हिप्ड क्रीम ले ली है। व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ कि हम किस तरीके से घर में व्हिप्ड क्रीम एकदम परफेक्टली बना सकते हैं। अब मैंने जो है यहाँ पे स्टार नोजल लगाई है इसके अंदर, और उससे मैं एक सिंपल सा फ्लावर बना रही हूँ। कुछ नहीं हमने इसमें एक्स्ट्रा किया, सिंपल सा फ्लावर बनाया है अपने। हमारे कपकेक देखिए कितनी जल्दी जल्दी बनके तैयार हो रहे हैं। और इनके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी। मैं एक कपकेक में से थोड़ा सा मैंने इस तरीके से तोड़ लिया था वो, और उसी को ही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, और देखने में बहुत ही खूबसूरत। तो हमारे रेड वेलवेट कपकेक बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ आप भी एक बार इस रेसिपी से अपने घर में रेड वेलवेट कपकेक बनाएं, खाएं, और फिर अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।